दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता कुमार गौरव को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिन्होंने भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को गिनी चुनी फिल्में से नवाजा हो, पर भले ही इनका एक्टिंग का सिक्का बॉलीवुड में ना चल पाया हो, लेकिन आज भी इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी कुछ फिल्मों को दर्शकों द्वारा आज भी बखूबी याद रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता कुमार गौरव के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं अभिनेता कुमार गौरव की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस जाने माने अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रह चुके कुमार गौरव को आज भी हर एक शख्स जानता है, लेकिन अगर बात करें इनके फैमिली हिस्ट्री की तो इनका परिवार शुरू होता है सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार के घर से। जी हां, राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव के बीच बाप बेटे का रिश्ता है। राजेंद्र कुमार पाकिस्तान के सियालकोट से निकालकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए मुंबई आए थे और इन्होंने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान इन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की शुक्ला कुमार को अपनी जीवन संगनी के तौर पर चुना, जिससे इन्हें दो बेटे डिंपल और काजल तुली के साथ बेटे मनोज तुली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनकी दोनों बेटियां डिंपल और काजल तुली लाइमलाइट से कोसों दूर अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है। वहीं बात करें सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस फैमिली के बेटे मनोज तुली की, तो मनोज तुली का नाम बचपन में ही बदलकर कुमार गौरव रख दिया गया था, जिन्होंने शिमला से अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की है। बता दें कि कुमार गौरव ने कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं किया, लेकिन इनका एक्टिंग और ट्रैवलिंग में शुरुआती दौर से ही काफी इंटरेस्ट रहा है और इसी इंटरेस्ट को परखते हुए इनके पिता राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया था। जहां कुमार गौरव ने साल 1981 में अपने पिता द्वारा निर्मित की गई फिल्म लव स्टोरी से एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और इनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते नजर आई, जिसके बाद इन्हें तेरी कसम, स्टार, दिल तुझको दिया और हम है लाजवाब जैसी कई फिल्मों में देखा गया था। लेकिन इनकी लव स्टोरी फिल्म को जितना पसंद किया गया था, उतनी इनकी दूसरी फिल्में कमाल नहीं दिखा पाई थी। यही वजह रही कि आगे चलकर इनका करियर एकदम ठप पड़ गया था, जिसके चलते कुछ गिनी चुनी फिल्मों के बाद इनके पिता राजेंद्र कुमार ने साल 1993 में आई फिल्म फूल में अपने बेटे कुमार गौरव को माधुरी दीक्षित के अपोजिट काम करने का मौका दिया था, पर कुमार गौरव इस फिल्म में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और उनकी ये फिल्म भी पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटती नजर आई थी। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के कुछ सालों बाद ही कुमार गौरव के पिता साल 1999 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वो समय था जब कुमार गौरव को बॉलीवुड में काम मिलता था लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके चलते इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को जल्दी विराम देने का फैसला किया, जिसकी वजह से इन्हें लास्ट टाइम साल 2002 में आई कांटे फिल्म में आनंद का किरदार निभाते हुए देखा गया था। हालांकि फिल्म के बाद इन्होंने कुछ टीवी सीरियल में अपनी अपीयरेंस दी थी, पर इनके एक्टिंग करियर का सफर साल 2004 में आई अमेरिकन फिल्म गाना 1838 के बाद से ही खत्म हो गया था, जिसके बाद ना तो इन्हें किसी टीवी सीरियल्स में अभिनय करते देखा गया और ना ही किसी फिल्म में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब कुमार गौरव अपने एक्टिंग करियर के सफर मुकाम पर थे, तब इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुनील दत्त की लाली बेटी नम्रता दत्त के साथ साल 1984 में शादी रचा ली थी। जी हाँ, सुनील दत्त रिश्ते में कुमार गौरव के ससुर लगते हैं, वहीं संजय दत्त के साथ भी कुमार गौरव का जीजा साला का रिश्ता है। आज इस शादी से कुमार गौरव और नम्रता दत्त दो प्यारी बेटी सिया और सांची के दंपति बन चुके हैं। लेकिन जहां कुमार गौरव ने एक्टिंग की दुनिया को पूरी तरह से टाटा बाय कह दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने करियर के तौर पर अदर साइड ट्रैवलिंग को चुना है। जी हाँ, ये बचपन से ही ट्रैवलिंग के बेहद शौकीन थे, जिसके चलते कुमार गौरव वर्तमान में भले ही बॉलीवुड से दूर हो, लेकिन ये टूरिज्म एंड ट्रैवल कंपनी के मालिक बन चुके हैं, जहां ये यात्रियों को दुनिया की सैर करवाते हैं और इसका ये बिजनेस काफी सफल भी है, जिसमें ये एक्टिंग की दुनिया से डबल पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेता कुमार गौरव की फैमिली हिस्ट्री जानकर कैसा लगा? क्या आप भी सुनील दत्त और कुमार गौरव के बीच के रिलेशन को जानकर हैरान हुए या नहीं? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।